जय माता दी। 10 नवंबर रविवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको दैनिक पंचांग, राशि परिचय, 12 राशियों का राशिफल एवं कुछ खास टिप्स की जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिवस है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप सभी लोगों को, यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 11 नवंबर रविवार 2024 श्री सुसंवत 2081 शक संवत 1946 कार्तिक महीना उजाला पाक नवमी तिथि सूर्य तुला राशि में चंद्रमा कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र दिन में 8:08 रहेगा। तदुपरांत सद्भिखा नक्षत्र आरंभ होगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा परिहार पान। आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए जरूरी है तो आप पान खाकर यात्रा करें तो सफलता के योग बन जाते हैं। राहु काल शाम को 4:30 से 6 तक, गुलिक काल दिन में 3 से 4:30 तक, यमगंड काल दिन में 12 से 1:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। जहां तक संभव हो सके यात्रा का प्रारंभ या कोई शुभ कार्य गुलिक काल में करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में करें तो आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। और इस समय पंचक का टाइम चल रहा है। अब हम आपको राशि परिचय के विषय में जानकारी दे रहे हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर लीजिएगा। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो हम आपको सारी जानकारी देंगे, क्योंकि दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्रा होता है और प्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे प्रमोद, प्रियंका। अब आपको क्या करना है तो भैया प्रा को आप पास लें, कहने करती है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है और त्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे त्रिवेणी, त्रिभुवन। अब आप क्या करेंगे तो भाई त्रा को आप ताश दें, कहने का सीधा सार्थी है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है और ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम, जैसे कि ज्ञानचंद, ज्ञानेन। अब आपको क्या करना तो भाई ज्ञा को आप गास देखें, कहने करती है ज्ञा को आप मकर राशि देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा होता है और श्रा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे श्री राम, श्रीधर। अब आप क्या करेंगे तो भैया श्रा को आप सास देखें, कहने का सीधा साथ ये है श्रा को आप कुंभ राशि में दे, ठीक है ना। अब हम आपको सभी राशियों का राशिफल और कुछ खास टिप्स की जानकारी देंगे। ध्यान दीजिएगा, एरिस यानी मेष राशि, मेष लग राशि के जातकों, आज आपको धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। माता को कष्ट होने के योग रहे हैं। छात्रों को विद्या का विशेष लाभ मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, लव लाइफ वाले खुश हो जाइए। आज आपको लव पार्टनर से प्यार मिलेगा। विशेष उपाय है प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र पहने तो दिन आज आपका और भी अच्छा बीतेगा।
शुभ रंग है आपके लिए लाल, शुभ अंक 9, 18, 27। टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जात को आज पिता को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी दिक्कत आने के योग दिख रहे हैं। साहस में कुछ कमजोरी महसूस होगी, यानी भाई बहन में मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय आपके लिए ये है, आप प्रातः स्नान करके सफेद वस्त्र पहने तो दिक्कतें कम होंगी। आपका शुभ रंग है सफेद, शुभ अंक 6, 15, 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जात को आज खर्चा बढ़ने के योग दिख रहे हैं। पारिवारिक मतभेद भी रहेंगे, पराक्रम और भाई के सहयोग से सफलता में आपको मिलेगी। विशेष उपाय है प्रातः स्नान करके हरे वस्त्र पहने तो आज आपकी दिक्कत कम होगी। शुभ रंग है आपका हरा, शुभ अंक है 5, 14, 23। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा, मन अशांत रहेगा, आयु को लाभ मिलेगा, परिवार में सहयोग मिलेगा, धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे, पुरुषों की शक्ति का भी कुछ हिस्सा आपको लाभ में मिलेगा। आपके लिए विशेष उपाय है स्नान के पानी में सफेद पुष्प डालकर स्नान करें तो आपकी आज दिक्कतें कुछ कम होंगी। आपके लिए शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 2, 11, 29। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जात को आज रोजी रोजगार मंदा रहेगा, पति या पत्नी को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस पार्टनर से मतभेद होने के योग है, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। परंतु बाहरी स्थानों के संबंध में भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। विशेष उपाय प्रातः थोड़ी देर धूप में बैठ के ओम सूर्याय नमः मंत्र का एक माले का जप करें। आपका शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है 1, 10, 19, 28। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जात को आज आमदनी मंदी रहेगी, भाई बहन से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे, दुश्मन आप पर हावी होने कोशिश करेगा, दिमागी टेंशन बढ़ेगी, बाहरी स्थानों से मदद मिलने के योग दिखाई दे रहे। विशेष उपाय गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ाइएगा। आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5, 14, 23। तुला राशि यानी लिब्रा, तुला राशि, तुला लग्न राशि के जात को आज पिता को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कामों में दिक्कत परेशानी आने के योग है। छात्रों को विशेष मेहनत करना पड़ेगा। लव लाइफ वाले सावधान हो जाए, आपके लव पार्टनर से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय आप अच्छा सा परफ्यूम इस्तेमाल करें तो आज दिक्कतें कम होंगी। शुभ रंग है आपके लिए सफेद, शुभ अंक 6, 15, 24। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जात को आज भाग्य में बाधा पड़ेगी, माता को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी दिक्कत परेशानी आने के योग है। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके लिए विशेष उपाय है हनुमान जी पर आप चोला चढ़ाएं तो आज दिक्कतें आपकी कम होंगी। शुभ रंग है आपका 9, 18, 27। सजिटेरियस यानी धनु राशि,
धनु लग रास के जात को आज भाई बहन से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। सफलता में बाधा पड़ेगी, साहस बल कमजोर रहेगा, आयु को हान पहुंचने के योग दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, भाग्य प्रबल है। विशेष उपाय, विष्णु जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं, इससे जो है दिक्कत आज आपकी कम होगी। शुभ रंग है आपका पीला, शुभ अंक 3, 12, 21, 30। कैपिक कारण यानी मकर राशि, मकर लग राशि के जात को आज धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार में कुछ मतभेद होने के भी योग है, रोजी रोजगार मंदा रहेगा। पति पत्नी में आपस में मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं। आयु में वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा। विशेष उपाय, आप सरसों के तेल का दान करते हैं तो आज आपकी दिक्कतें कुछ कम होंगी। आपका जो है शुभ रंग है नीला, शुभ अंक 8, 17, 26। कैपिकार यानी इको बेरियर कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों आज स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा। झगड़े झंझट की स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। दिमागी संतुलन पढ़ने के योग हैं। रोजी रोजगार मंदा रहेगा। बिजनेस पार्टनर से मतभेद होने की योग दिख रहे हैं। पति या पत्नी को कष्ट मिलने के भी चांस हैं। विशेष उपाय, काले उड़द का दान करें तो आज दिक्कत आपको कम होगी। आपका शुभ रंग है नीला, शुभ अंक 8, 17, 26। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग राशि के जात को आज विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। संतान को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। बाहरी संबंधों पर सावधान रहे, दुश्मन को बुद्धि से और वाणी से निपटा जा सकता है। विशेष उपाय, लाल गाय को पके केले खिलाएं, इससे दिक्कत आपकी कम होगी। अगर अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो राशि को लग्न से देखें। अगर आपको अपने लग्न नहीं मालूम है तो हमसे कमेंट करके अपने लग्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष के इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दिवस लिखें तथा हमारे बताए गए उपायों को अमल में ला के लाभ उठाएं। निश्चित कामयाबी मिलेगी। जिन लोग को कामयाबी मिल चुकी है कमेंट बॉक्स में जय माता दिवस लिखें। जय माता दी।